फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं दिखाऊंगा आगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा। तब तक इधर ही रुक के रहो, तब दिखाऊंगा। देखो ऐसे देखते रहो, मुझे क्या होगा। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पे। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम गए शादी में। शादी यहाँ पे थी एक जगह पे, शादी तो वलीमा खाने हम गए थे, मैं और मेरे चाचू थे। तो हम गए शादी वादी खाई, तो अब हम वापस आ गए हैं। अब अभी किस ऐसे इलाके में है, पहाड़ी इलाके में है, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू कितना मस्त है। मतलब पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं नज़दीक, बड़े पहाड़ है। चलो दिखाता हूँ पहाड़ कैसे हैं। ये देख सकते हो नीचे रोड है और हमारे साथ ही आगे आगे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे गुजराड़ी बोलते हैं, यहाँ के यहाँ पे गुजर रहते हैं, ये गुजरों का इलाका है सारा। और पीछे जो देख रहे हो ये चाटा का इलाका पड़ता है। गौर से देखिए, देख सकते हो आप यहाँ। और वहाँ पार गुंदना, वो देखो वो गुंदना है। और ये वाला इलाका जो ये मलवन्ना है, पीछे से ऐसा मलवन्ना दिखता है पीछे वाली साइड से। और हाँ दोस्तों, आजकल मैं व्लॉग्स नहीं बनाता, मतलब वीडियो नहीं बनाता हूँ, व्लॉग्स नहीं डालता हूँ गाइस। कुछ मन नहीं करता है, आप लोग प्यार पोर्ट नहीं कर रहे हो अपने भाई को, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार बरसाएंगे हमारी वीडियोस पे, तो हम आज से और शुरू करेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। गाइस, आप जो ये नीचे रोड देख रहे हो, ये मलवन्ना के लिए रोड है। आप देख सकते हो कितनी खतरनाक रोड है, कितनी चढ़ाई है, आगे भी देख सकते हो। मतलब सीधा ऊपर के लिए चढ़ाई है इन्होंने, यहाँ से तो गाड़ी नहीं चढ़ती है, बट अब इसको काम लगने वाला है बहुत जल्द। लेकिन तब तक बहुत मुश्किल होता है इन बंदों को जो बाहर रहते हैं, उनको पैदल आना पड़ता है यहाँ से रोड से। लगभग कितना होगा ये, 4 किलोमीटर से ज़्यादा इनको पैदल चलना पड़ता है, फिर ये कहीं डोडा जा सकते हैं, वरना घर में ही पड़े रहते हैं, तो देख सकते हो आप। और अभी हम कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंचे हैं गाइस, अभी हम जा रहे हैं वापस। तो शादी वहाँ ऊपर थी, तो हम पीछे से आए, हमारे साथ एक बंदा था, उन्होंने कहा कि मुझे गुजराड़ी देखना है। मतलब वो भी गुजर था, तो उसने कहा कि मुझे भी दूसरे गुजर देखने हैं, यहाँ के गुजर कैसे हैं। तो फिर मैं उसके साथ गया वहाँ, तो इनको भी दिखाया गुजर यहाँ के। तो इन्होंने बताया कि यहाँ के गुजर अच्छे हैं, लेकिन सफाई नहीं रखते बस, बाकी सब ठीक है। और क्या ही बताऊँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे फुल लगी है, पेड़ों के फूल चल रहे हैं, दोस्तों काफ़ी देर हम चले हैं और हम अभी कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुंचे हैं जहाँ का नाम लैंटोथ है। अभी हम लैंटोथ में चल रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ भेड़ भी मिली देखने के लिए। गाइस, हम आपको भी भेड़ दिखाते हैं, यहाँ की भेड़ें कैसी होती है, सराज की भेड़ें हम आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ ही आगे आके जा रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे ही हैं, मतलब पीछे आगे जा रहे हैं। चलो मिलाता हूँ उनसे भी। तो गाइस, मैं क्या बात कर रहा था कि मैं आपको गेहूं दिखाऊंगा, यहाँ की फसल जो तैयार होने वाली है वो आपको मैं दिखाता हूँ। चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बन ही गए हैं ये, इनको लगभग 3 महीने की जरूरत है, 3 महीने के भी नहीं है, उस पर तैयार हो जाएंगे। चलो दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अच्छी तरह बन गए हैं। अब इनको थोड़ा टाइम लगेगा, तो 2-3 महीने के बाद ये बन जाएंगे, उसके बाद इसकी फसल काटा जाएगा। और काटने के बाद इससे गेहूं निकलेगा और उसको मशीन पे लेंगे तो फिर आटा बन जाएगा, और आटे से फुलका बन जाएगा, फुलका खा के पेट में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, काफी देर चलने के बाद, लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद, हम अभी ऐसी लोकेशन पे पहुंचे हैं जहां का नाम है, यहाँ हल्ला से पीछे जो नर्सरी लगी है वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ वो नर्सरी भी। और यहाँ का रोड जो है बहुत ही खराब है, वो भी दिखाता हूँ, यहाँ से दिख रहा है ऊपर से। चलो दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप नीचे,
वो नीचे जो देख रहे हो ये नर्सरी है, अब देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये नर्सरी है और ये रोड है। इस काफी देर चलने के बाद हम अपनी बस्ती के आसपास पहुंच गए हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ रोड मैंने बताया था रोड ख़राब है, रोड भी दिखाता हूँ कैसा है, देख सकते हो। और यहाँ पे रोड का काम भी लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ दीवारें मतलब उनका काम लगा है, तो वो दीवारें बन रही है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हो एक ये दीवार है, ये तो फिलहाल बन गई है और ये अभी अधूरी है, इसका काम भी चल रहा था। तो अभी बंदे शायद उन्होंने छुट्टी की है, किया क्या है, कुछ तो किया है। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं घर पहुंचने वाला हूँ गाइस, मैं अब घर पहुंच रहा हूँ, तो मैं अब आपको मिलता हूँ इस नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और इतना ज़रूर कहूँगा कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक FB फॉलो नहीं किया है वो भी पेज को फॉलो कर दो। काफ़ी